हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान क्रिएशन। तो आज है 15 अगस्त, तो सबसे पहले आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की ये वीडियो में हम सबसे बड़ा डीजे सेटअप लोडिंग करने वाले हैं 15 अगस्त स्पेशल में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 12 बेस लगाएंगे और साथ में यहाँ पे हमने न्यू टॉप भी बनाया है। तो हम यहाँ पे 4 टॉप और एक बड़ा सा ट्विटर बॉक्स लगाएंगे, उसके ऊपर में 2 SRP लाइट, फिर पार लाइट बहुत सारा लगा के, लेजर लाइट लगा के पूरा डीजे सेटअप को लोडिंग करेंगे और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद नहीं लिखा है तो प्लीज जाकर कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिख दीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना डीजे ट्रक के ऊपर में सारा सामान जो कि यहाँ पे लोडिंग होकर आ चुका है, ये देखिए, ये अपना बड़ा वाला ट्विटर बॉक्स, ये भी लगाने वाले हैं आज के सेटअप में। और इधर सारा बेस जो कि अपना रखा हुआ है, और इसके पीछे में यहाँ पे देखिए, ये ट्रॉली के ऊपर में ड्यूअल सबवूफर जो कि अपना फ्रंट बेस रखा हुआ है, और ये ऊपर में 2 SRP लाइट भी रखा हुआ है। तो आज मतलब बहुत सारा सामान लगाने वाले हैं, पूरा चौला करके पूरा सेटअप को बांधेंगे। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोडिंग करते हैं सामान को, उसके बाद में यहाँ पे बांध के आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देखिए, 2 बेस अपना जो कि नीचे में बंधा गया है, अभी देखिए ये अपना मशीन आ चुका है SPB4 के, और इस बार जो कि CG स्टाइल में बांध रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे में 2 डुअल बेस को बांध दिए हैं एक लाइन से, अभी अंदर में यहाँ पे मशीन रखते हैं, फिर वहाँ पे देखिए वो एक यहाँ पे पटरा है, वो पटरा को इसके ऊपर में यहाँ पे रखना होगा। ये डाला के ऊपर में हम यहाँ पे जो कि टॉप और बाकी का जो उधर बेस है वो सब ये डाला के ऊपर में रखेंगे। तो ये देखिए, मशीन को सबसे पहले यहाँ पे अंदर में रखा जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अपना डीजे सेटअप को पूरा बांध दिया है। देखिए नीचे में यहाँ पे 2 ड्यूअल बेस यहाँ पे फ्रंट वाला, और उसके ऊपर में यहाँ पे देखिए 4 सिंगल सिंगल फ्रंट बेस, उसके ऊपर में यहाँ पे अपना जो कि ट्विटर बॉक्स बड़ा वाला, और यहाँ पे देखिए ये अपना न्यू टॉप है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्लियर जो कि मिड आ रहा है, आप लोगों को अभी सुनाएंगे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे डेकोरेशन करते हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो यहाँ पे कुछ डेकोरेशन करते हैं। पीछे से आपको लुक दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया, मतलब पीछे हमको लगता है कि नीचे में यहाँ पे देखिए, नीचे में अभी हम लोग ईंट से यहाँ पे सपोर्ट दिए हैं, जब ये ईंट हटाएंगे तो आगे से पक्का देखने यहाँ पे गाड़ी उठ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ मशीन अंदर में रखें, हमको लगता है इसके ऊपर में कुछ ईंट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए ये लोड हो गया है, मेरे हिसाब से करीबन 200 किलो का तो लोड हो ही गया होगा। चलिए अब यहाँ पे डेकोरेट कर दें, फिर आप लोग को दिखाते हैं आगे में। तो यहाँ पे हमने जो कि अपने डीजे का यहाँ पे डेकोरेशन तो कर दिया है, अब यहाँ पे हम लोग लाइट लगाते हैं। तो लाइट के लिए यहाँ पे देखिए, 2 हमारे पास स्टैंड का पार लाइट है, और उसके बगल में यहाँ पे बिग डिपर का 2 पीस पार लाइट है, और यहाँ पे 2 पीस अपने पास मिनी शार्पी लाइट है जो कि जिया कंपनी का है। इसका हमने फुल अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था मिनी शार्पी लाइट का, अगर आपने इसका फुल अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लीजिएगा। इसका मैं यहाँ पे आपको प्राइस बता देता हूँ, तो ये मिनी शार्पी हमको पड़ा था 7,000 में एक पीस, और 2 पीस मैंने खरीदा था 14,000 में। अब चले यहाँ पे बॉक्स के अंदर में से सारा लाइट को निकालते हैं, और यहाँ पे हम फिटिंग करते हैं, फिर आप लोग को सीधे दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने पूरा लाइट का यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, और यहाँ पे डीजे बॉक्स का भी कनेक्शन कर दिया है। अभी अपना जो कि मेन काम आ जाता है, जो कि ये ट्रक को बैलेंस करना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पीछे में दिखाया था, यहाँ पे देखिए
ये हमने ये बेस के नीचे में यहाँ पे सपोर्ट लगा रखा है। यहाँ पे देखिए ये जो हमने एंगल लगाया है, एंगल के नीचे में यहाँ पे ईंट और एक प्लाई का टुकड़ा लगा रखा है। तो अभी हमको इसको हटाना होगा। जब तक हम इसको नहीं हटाएंगे तब तक अपना ट्रक जो कि चलेगा नहीं। तो इसको हटाने के लिए हमको ट्रक के आगे में भी बराबर बैलेंस बनाना होगा, मतलब कि यहाँ पे लोड देना होगा आगे में। आगे में हमको लग रहा है कि यहाँ पे ईंट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पीछे में यहाँ पे 2 क्विंटल का यहाँ पे वजन है। तो जब तक हम आगे में बराबर से यहाँ पे सामान नहीं रखेंगे तब तक जो कि अपना ट्रक बैलेंस नहीं होगा और आगे से यहाँ पे गाड़ी उठ जाएगा, तो अपना जो कि सेटअप है वो डैमेज होने का चांसेस है। तो इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं, पहले तो ये मिक्सर को निकालते हैं। इधर आओ, ये मिक्सर को पहले तो बाहर निकालो। और ये मिक्सर को निकालने के बाद में यहाँ पे ये देखिए प्लाई लेके आए हैं, ये प्लाई को यहाँ पे रखेंगे, फिर उसके ऊपर में बहुत सारा ईंट सजाड़ेंगे, फिर उसके बाद में पीछे वाला जो हमने सपोर्ट लगा रखा है यहाँ पे इसको हटा के देखेंगे कि क्या अपना ट्रक बैलेंस हो गया है। अगर बैलेंस हो जाता है तो हम यहाँ पे ट्रक को अभी यहाँ पे साउंड टेस्टिंग के लिए स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आपको चला के दिखाएंगे। फाइनली यहाँ पे देखिए बच गया है हमने, क्योंकि आगे में यहाँ पे लोड दे दिया था प्रॉपर तरीका से। और ये देखिए ये जो कि सपोर्ट हटाने के बाद भी अपना जो कि ये ट्रक नीचे जमीन में नहीं सटा, मतलब कि ट्रक पे हमने इक्वल दोनों साइड में यहाँ पे हमने लोड दे दिया है। चलिए अभी यहाँ पे जो कि अपना डीजे है उसको ऑन करते हैं, यहाँ पे साउंड टेस्टिंग करते हैं, आप लोग को सुनाते हैं। अभी जो कि हमने अपना माइक भी निकाल रखा है, अभी आपको बिना माइक का सीधे यहाँ पे टेस्टिंग दिखाते हैं कि कितना ज्यादा जो कि बेस वाइब्रेशन और आवाज की चाह रहा है। आप लोग हेडफोन पहन के ही सुनिएगा क्योंकि इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हेडफोन नहीं लगाइएगा। तो दोस्तों आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और ये जो पार लाइट है ये चारों ये साउंड मोड में काम कर रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे बेस बजेगा तो ये सब जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइट ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। और साथ में ये भी देखिए ये रेड जलेगा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए ये दोनों जो कि एक साथ में यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना।
ये भी यहाँ पे जो कि साउंड बोर्ड पे ही काम कर रहा है, और बाकी ये जो अपना शार्पी लाइट है ये साउंड बोर्ड में है, और ये जो कि अलग है ये ऑटो पे कर दिया है हमने, क्योंकि दोनों को एक साथ करने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसको अलग में कर दिए और इसको अलग में कर दिए। अब इसके साथ में यहाँ पे जो टेस्टिंग है बहुत ही तगड़ा रहा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे बीच में ट्विटर बॉक्स लगा रखा है इससे और ज़्यादा जो कि क्लियरिटी हो जा रहा था अपने साउंड में, और मज़ा अलग लेवल का आ रहा था। तो आप लोग को कैसा लगा साउंड टेस्टिंग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा इसका बेस, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा। चलिए अभी आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो तो मैं यहाँ पे 15 अगस्त को शूट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कब अपलोड करूँगा, क्योंकि अपना अभी जो सिस्टम का जो हालत है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, थोड़ा सा लैपटॉप मेरा डैमेज हो गया, तो उसको पता नहीं कब रिपेयर होगा और कब ये वीडियो को एडिट करेंगे, कब अपलोड करेंगे, ये मेरे को कुछ पता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा कब ये वीडियो आ रहा है, और आप लोग से पहले ही सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वीडियो शायद लेट हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग भी कोऑपरेट करिएगा। और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा है तो प्लीज़ जाके जय हिंद लिख दीजिएगा। चलिए अभी आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।